आपकी अफवाहें उड़ाई जा रही थी आपके बारे में, क्या बीजेपी ज्वाइन कर रही है? जरा दी आईडी नीचे कर लो। बीजेपी कैंडिडेट को वोट कर रही है। मेरी प्रदीप आदित्य, मेरा वचन पीडीए है, मैं पीडीए हूँ, मेरे अलावा पीडीए कोई नहीं। मैंने शुरू से पीडीए की बात की और मेरा वोट भी आज पीडीए के लिए है। क्या रामजीलाल सुमन को आपने वोट कास्ट किया है? जी बिल्कुल। मैम एक खबरें आ रही थी कि अखिलेश जी से फोन पे कोई वार्तालाप हुई थी, उसमें कुछ हॉट टॉक भी हो गई थी, हक हुकूक के लिए आपने अपने हक की बात जब रखी। मैंने पीडीए की बात हमेशा की है, लड़ कभी की है, विनम्रता से भी की है, आगे भी करूंगी, आज भी कर रही। तो पीडीए छोड़ के नहीं जाएगी? पीडीए मेरा वजूद है और मैं पीडीए। तो क्या लोकसभा में भी आप प्रत्याशी के तौर पे आप या माता जी दिखाई पड़ सकती हैं? लोकसभा का निर्णय होना अभी बाकी है, आज वर्तमान में राज्यसभा की बात होनी चाहिए और पीडीए के लिए प्रतिबद्धता है और पीडीए के साथ खड़े हैं। आज भारी संख्या में क्रॉस लोगों ने वोट क्रॉस किया है, इसको कैसे देखती हैं लोग आप? पीडीए वोट से जो लोग जीत के आए, ये उनकी भावना हो सकती है, उनकी प्रतिबद्धता कहीं और जा सकती है, लेकिन मैं ईमान की राजनीति करती हूँ और धोखा देना मेरे खून में नहीं। पीडीए के साथ हूँ, पीडीए के लिए हूँ, पीडीए मेरा वजूद है, पीडीए मेरी प्रतिबद्धता है। रामलीला सुमन को वोट दिया जी। थैंक यू।